Xiaomi की तरफ से MI 10i इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है 5 जनवरी 2021 को, और 2021 के अंदर लॉन्च होने वाला पहला फोन होगा और ऊपर से ये फोन 5G होने वाला है। वैसे तो चाइना के अंदर ये फोन लॉन्च हो चुका है नवंबर 2020 में ही, और वहां पे इस फोन का जो नॉमिनिकेचर रखा गया था या नाम जो रखा गया था वो था Redmi Note 9 Pro 5G। वैसे तो इस फोन के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस आपको चाइना के अंदर देखने को मिल रहे थे, सिमिलर काइंड के स्पेसिफिकेशंस को इंडिया के अंदर जो 10i फोन लॉन्च किया जाएगा उसके अंदर भी होने वाला है। कुछ भी बदलाव नहीं किया जाएगा नाम के अलावा। वैसे एक और इंपॉर्टेंट बात यह बता दे कि फोन लॉन्च 5 जनवरी 2021 को होने वाला है, लेकिन आज की डेट में सारे स्पेक्स या फिर अगर आप इस फोन के फोटोज के बारे में या किसी भी चीज के बारे में देखना चाहते हो तो इंटरनेट के ऊपर सभी चीज अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10i को लेके काफी जबरदस्त तरीके से हाइप क्रिएट की जा रही है इंटरनेट के ऊपर। एक बहुत ही जरूरी बात जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, अगर आपको पता होगा कि एंड्रॉइड 11 जो है उसके अपडेट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत फोन में ऑलरेडी रन कर रहा है, लेकिन Xiaomi की तरफ से एक सीरीज लेके आया जाता है MI A सीरीज जिसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड की फैसिलिटी दी जा रही थी। MI A3 का लॉन्च अगस्त 2019 में किया गया था जहां पे एंड्रॉइड 1 के साथ ये फोन आ रहा था जो कि आपको एक्सपीरियंस देता था बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड का, लेकिन उसमें लोचा ये हो गया है कि आज की डेट में जैसे ही उस फोन के ऊपर अपडेट लेके आया गया 11 का, अपडेट आने के बाद फोन काम करना बंद कर चुका है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपना एंड्रॉइड 11 अपडेट किया है और अपडेट के साथ ही एंड्रॉइड 1 लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर आ जाता है और उसके बाद वो फोन आगे नहीं बढ़ता। अब मैं यहां पे MI 10i के बीच में MI A3 की बात क्यों कर रहा हूं, यह बात करना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि काफी कम ऐसे क्रिएटर हैं। अब आप कह सकते हैं कि जो बड़े क्रिएटर हैं सो कॉल्ड मिलियंस वाले, उनके द्वारा कभी भी इस तरीके की बातों को लेकर सामने नहीं आया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1.5 साल पहले किसी लड़के के द्वारा या फिर किसी के द्वारा भी 15,000 रुपए लगा के एक फोन को परचेज किया जाता है, और फोन परचेज होने के बाद अगर इस प्रकार की समस्या आ जाती है जहां फोन डेड हो जाता है और जब वो सर्विस सेंटर में जाता है तो वहां बोला जाता है उसको कि आपको फ्लैश करके हम ट्राई करते हैं, अगर ये चल गया तो ठीक है, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा। फिर 3 बार फ्लैश करते हैं वो लोग फोन को, और 3 बार की फ्लैश करने के बाद वो फोन सही नहीं होता है, उसके बाद मदरबोर्ड चेंज करने की बात कही जाती है और 8,000 रुपीज का डिमांड किया जाता है। 15,000-16,000 रुपए में आपने फोन खरीदा और उसके 1.5 साल के बाद आपका फोन इस तरीके से खराब कर दिया जाए कंपनी के द्वारा, और ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की तरफ से निकल के आया है वहां पे बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे MI A3 यूजर्स हैं जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उन्होंने यहां पे कभी मेंशन नहीं किया कि जो लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर चुके उनके साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे, मतलब क्या कि जो वारंटी से बाहर वाले फोन है उनको क्या वो लोग प्रोवाइड करेंगे वारंटी, या फिर क्या वो लोग चेंज करके देंगे मदरबोर्ड को, या फिर उनको नया फोन प्रोवाइड किया जाएगा। इस पे कोई भी बात नहीं की गई है। 1 साल का वारंटी फोन की तरफ से दिया जाता है, लेकिन 1.5 साल अगर हो गया है तो कंपनी की गलती है ना कि कस्टमर की। इसके ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर मुश्किली वीडियो देखने को मिलेगा जहां पर इस तरीके की बात की गई हो। MI 10i लॉन्च होने वाला है, स्पेक्स जो है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे जहां पे आपको 6.67 इंच का LCD IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, सेंटर पंच होल डिस्प्ले होने वाला है जो कि आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है 2400x1080 का, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 240Hz का सैंपलिंग रिफ्रेश रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट। अब MI 10i के अंदर जो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है स्नैपड्रैगन के तरफ से सितंबर मंथ में लॉन्च किया गया स्नैपड्रैगन 750G। ये वैसे तो कमजोर होगा प्रोसेसर, बात करते हैं अगर 765G से, लेकिन अच्छा प्रोवाइड कर सकता है आपको वैल्यू अगर आपको 5G फोन लेना है तो। मेरे हिसाब से इस प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हुए आप फोन को अच्छे तरीके से चला पाओगे। वहीं पे क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। वैसे तो कैमरे के सेटअप को देखने के बाद आपको मालूम चल जाना चाहिए कि पोको X3 का भी कैमरा इसी प्रकार का था, बस वहां पे एक कैमरा की जगह फ्लैशलाइट दी गई थी जिसको साइड में कर दिया गया है, और यहां पे आपको जो इस फोन का USB है वो है आपका 5G और दूसरा 108 मेगापिक्सल का एक कैमरा। दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का होने वाला है जो कि अल्ट्रा वाइड होगा और 2-2 MP के, जो मतलब कि काम का बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल नाम का होने वाला है 4 कैमरा के लिए, वो लगा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको फ्रंट में 16 MP का कैमरा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इसके साथ साथ आपको
33 वॉट का चार्जर मिलेगा जो कि 4820 mAh की बैटरी को बहुत जल्द चार्ज कर देगा। और इस फोन के हिसाब से देखा जाए या फिर जो स्टैंडर्ड आजकल चल रहे हैं बैटरी, उस हिसाब से ये फोन की बैटरी अच्छी मानी जा सकती है। वैसे तो आपको बता दें कि ट्रैकिंग टेक के ऊपर ये फोन पहले ही अनबॉक्स कर दिया गया था Redmi Note 9 Pro 5G के नाम पे, और उनके द्वारा हिंट भी दिया गया था कि 10i के नाम पे ये फोन आने वाला है। 20,000 रुपए में अगर ये फोन आता है तो उनके तरफ से बताया गया था कि ये फोन बेहतर साबित हो सकता है, उससे ऊपर आएगा तो ये फोन बढ़िया नहीं माना जाएगा क्योंकि मोटरोला का ऑलरेडी फोन इस रेंज में इंडिया के अंदर अवेलेबल है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 20,000 रुपए में जो फोन आ रहा है उसके लिए इतना सारा प्रमोशन बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स से लेके छोटे यूट्यूबर्स से लेके छोटे वेबसाइट से लेके बड़े वेबसाइट तक कर रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर की समस्या है, जो आम लोगों की समस्या है, उसको हल कौन करेगा, उसके बारे में क्या कभी बात की जाएगी बड़े टेक यूट्यूबर्स के द्वारा? क्योंकि उनके पास जो फोन आते हैं उनके पास बहुत सारे टेक गैजेट्स आते हैं और उनके पास रियली कुछ समय नहीं होता है बहुत ज्यादा टाइम देने का। जो लोग ज्ञान थेरेपी टाइप के हैं, एंड्रॉइड वाइड हैं, वो लोग एक फोन अगर खरीदते हैं तो उसके सारे एस्पेक्ट को चेक करके तब वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उन लोगों के द्वारा बहुत मेहनत डाला जाता है, खुद के पैसे लगाए जाते हैं और उन लोगों की कोशिश ये रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को कस्टमर्स के लिए लेके आए। लेकिन जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके पास फोन आता है वो ऐसा काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ अनबॉक्स करते हैं, 8-10 चीजें कैसे करके निकालते हैं फोन के अंदर से, पता होता है कि क्या क्या चीजें करनी है, 10 क्लिक किया और वो फोटो वोटो लगा के कैसे भी वीडियो बना दिया। तो वहां पे उनका एक तो धंधा चल रहा है, दुकान चल रहा है, ज्ञान थेरेपी, एंड्रॉइड वाइड, शाहरुख भाई हो गए या फिर इस तरीके के चैनल चल रहे हैं, वो चैनल्स काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। दोस्तों मेरा यहां पे चैनल को प्रमोट करना किसी का या किसी के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, यहां पे मेरा इंपॉर्टेंट बात यह कहना है कि MI A3 के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी समस्या निकल के आई है सामने, Xiaomi की तरफ से जो क्लियरिफिकेशन दिया गया वो क्लियर बिल्कुल नहीं है कि क्या जिनका खराब हो गया फोन उसको कौन बनवा के देगा। दोस्तों प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, और मेरे द्वारा कुछ जगह पे इसके बारे में रिसर्च किया गया तो एक भाई निकल के आया जिनके द्वारा ये कहानी पूरी मुझे बताई गई, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको डिस्प्ले के अंदर डाला हुआ है, वो देख सकते हैं आप। दोस्तों बहुत जरूरी है इस वीडियो को शेयर करना, MI 10i तो आ रहा है ठीक है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस के बारे में कौन बात करेगा। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को 5 लोगों को एटलीस्ट शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया के अंदर फोन जब लॉन्च होता है तो इतना सारा पैसा डाल के प्रमोट किया जाता है, फ्री में यूट्यूबर्स को और वेबसाइट वालों को फोन दिए जाते हैं कि प्रमोट करो, और एक टाइम के बाद जब नया फोन आता है तो उस फोन के बारे में कोई भी बात नहीं करता, कितनी भी बड़ी समस्या उस फोन के साथ आ जाए। तो दोस्तों अगर आप शेयर कीजिएगा तो कुछ हो सकता है कि अच्छे यूट्यूबर्स तक ये वीडियो पहुंचे, तो आने वाले समय के अंदर वो लोग और बढ़िया वीडियो बना के दे। अच्छे यूट्यूबर कहने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर तो 400-500 व्यूज आएंगे, उनका लाखों का व्यूज आता होगा, तो वो प्लीज एक वीडियो इसके ऊपर जरूर बनाएं और कंपनीज को थोड़ा बोलें कि इस तरीके की समस्याओं से उबारने के लिए कंपनी कुछ मेथड लेके आए। दोस्तों तकनीकी सार के ऊपर अगर इस तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर करना बिल्कुल जरूरी है इस वीडियो को, साथ ही से सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाले टाइम का कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।